प्रिंसिपल क्लॉज, इसका अदर नेम है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसको हिंदी में बोलते हैं मुख्य उपवाक्य। इसका डेफिनेशन है प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंटेन्स ओनली यूजेस इन द परफेक्ट सिलेबल्स इन सिंपल फ्यूचर टेंस इज नोन एज प्रिंसिपल क्लॉज। अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, प्रिंसिपल क्लॉज शब्दों का समूह है, व्हिच कंटेन्स ओनली यूजेस, जिसका इस्तेमाल किया जाता है इन द परफेक्ट सिलेबल्स इन सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसका इस्तेमाल फ्यूचर टेंस अर्थात सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जाता है, और इसे ही हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर इसका है प्रिंसिपल क्लॉज का, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल, और उसके बाद भी वन और प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है प्रिंसिपल क्लॉज का। इसे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहेंगे क्योंकि ये उसी का फॉर्मूला है, और प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलेंगे। एग्जांपल हैं, आई गो टू पटना, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट के बाद शैल या विल होना चाहिए, शैल या विल, और उसके बाद में भी वन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर शैल या विल नहीं है, डायरेक्ट भी वन है, इसीलिए ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आई शैल गो टू पटना, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये प्रिंसिपल क्लॉज क्यों है? ये प्रिंसिपल क्लॉज इसीलिए है क्योंकि यहाँ आई सब्जेक्ट है और उसके बाद शैल है, और उसके जस्ट बाद हमारा ये गो भी वन है, और उसके बाद टू पटना ऑब्जेक्ट है। और हम लोग जानते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ये सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हम लोग प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे।